हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है राकेश और मैं सिलीगुड़ी का लोकल हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में सिलीगुड़ी का जो हांगकांग मार्केट है उसका सिचुएशन क्या है। बट उससे पहले एक चीज़ आपको बोल देते हैं, जो भी भाई लोग गैंगटॉक, दार्जिलिंग, डुअर्स, कालिंपोंग, मेरी कहीं पर भी घूमने आए हो, अगर आते हो तो आपको सिलीगुड़ी होके ही जाना पड़ता है। और सबका ख्वाहिश यही रहता है कि सिलीगुड़ी में थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा हांगकांग मार्केट से शॉपिंग करते हैं, घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाए। तो आपको थोड़ा आसानी होगा ये वीडियो देख के कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या इस यहाँ पर मिल रहा है, वो आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपडेट भी दे दूँगा आपको कि अभी सिलीगुड़ी में क्या सिचुएशन है कोविड का, दार्जिलिंग में का क्या हाल है, गैंगटॉक का क्या हाल है, सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, पहले मैं बोल देता हूँ। अगर आपको लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हो आप, तो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आप स्किप नहीं करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे पूरा डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ, आपने जो वीडियो अभी देख रहे हो ये हांगकांग मार्केट का मेन एंट्रेंस है, जो विधान रोड से होके अंदर आते हैं। हांगकांग मार्केट आने का दो तीन नहीं, बहुत सारा रास्ता है। एक्चुअली सिलीगुड़ी का जो मेन रोड होता है, आप अगर एनजीपी से आते हो तो आपको दो रोड मिल जाएगा। पहला एक फ्लाईओवर है, एकलौता फ्लाईओवर, उसको क्रॉस करते ही एक रास्ता सीधा जाता है, एक जाता है राइट टर्न। सीधा जो जाएगा वो जाएगा हिलकार रोड जंक्शन की तरफ, और राइट साइड में जो रास्ता जाता है उसको सेवोक रोड कहते हैं, वो सीधा जाता है एकदम सेवोक की तरफ, यानी जिससे होकर आप गैंगटॉक जाओगे। एक्चुअली कहीं से भी जाओ रास्ता सेम ही है, तो दोनों तरफ से ही आप हांगकांग मार्केट में आ सकते हैं। फिलहाल आप जो फुटेज देख रहे हो ये संडे का फुटेज है, संडे का फुटेज है, इसलिए आपको थोड़ा लाइट कम दिखेगा, थोड़ा दुकान कम दिखेगा। बट उससे पहले एक चीज़ बोल देते हैं, सिलीगुड़ी में अभी वीकली बेसिस जगह जगह पे बंद चालू हो चुका है। यानी सपोज़ आप पकड़ लीजिए, अभी जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से यहाँ का जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, वो लोग ये डिसाइड किया है कि हांगकांग मार्केट संडे को बंद रहेगा, कंप्लीट बंद रहेगा संडे को। तो बात यह है कि ये जो फुटेज है ये पिछला वाला संडे का है, तो उसमें आप देख सकते हो कि खुला हुआ है बहुत सारा पार्ट और बहुत सारा पार्ट बंद भी है। तो अगर आप आते हो तो ऐसा नहीं कि आप पूरा ही बंद देखोगे, बट आपको कुछ कुछ रोड का जो दुकान है, जो फूड मार्केट है, वो आपको खुला मिलेगा और आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। फिलहाल जो वीडियो देख रहे हो ये संडे का ही है, आप देख सकते हो, बट आपको देख के लगेगा नहीं कि यहाँ पे बंद है या अभी कोरोना सिचुएशन चल रहा है। भर भर के लोग यहाँ पे है, देख सकते हो कितना भीड़ है। गली तो छोटा ही है बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं। क्योंकि आप अगर बंगाल में कहीं पे भी आते हो तो आपको आरटीपीसीआर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका डबल डोज है, आप दार्जिलिंग आ सकते हो, आप मिरिक घूम सकते हो, आप चाहो तो आप डुअर्स में भी जा सकते हो। डुअर्स बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है, पूरा जंगल है वहाँ पे, गरुमारा फॉरेस्ट है, वहाँ पे सफारी होता है, उसका भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। हम लोग गए थे घूमने तो फुटेज है, अभी तक एडिट नहीं किया है, तो वो जल्दी आने वाला है, वहाँ पे हम पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है, थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे। और साथ साथ एक और चीज़ बोल देते हैं, ये जो हांगकांग मार्केट है इसमें आपको सब तरह का चीज़ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलेगा, पर आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है, छोटा एरिया में है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा क्या बोलते हैं पजल टाइप का है, आप घूम सकते हो, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और बीच बीच में वीडियो का मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ का जो लोकल दुकानदार है उन लोगों का जो वॉइस है, कैसे बात करते हैं, क्या रेट चल रहा है, वो मैं आपको बीच बीच में उसका वॉइस सुना दूंगा, तो उस टाइम में मैं थोड़ा चुप हो जाऊँगा, ठीक है। तो जो बात हम कर रहे थे, तो बहुत सब कुछ यहाँ पे मिलता है, बट आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जगह बार्गेनिंग का ही है, आप फिक्स प्राइस में कभी भी मत जाना। हाँ, कुछ चीज़ आपको देख के लग जाएगा कि हाँ ये फिक्स प्राइस हो सकता है, बट ज़्यादातर चीज़ यहाँ पे बार्गेनिंग से ही चलता है। अच्छा अच्छा सामान सब कुछ, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, सब के लिए यहाँ पर मिलता है। तो आप आओ,
बहुत बढ़िया मार्केट है, मार्केटिंग करो, सस्ते में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको बोल देते हैं, बहुत सो लोगों का ऐसा प्लान होता है कि हम लोग अभी नहीं, हम लोग डायरेक्ट जाके गैंगटॉक से कुछ ना कुछ खरीदेंगे या दार्जिलिंग से खरीदेंगे। तो मैं एक आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप दार्जिलिंग गैंगटॉक से कुछ खरीदते हो तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ यही से सिलीगुड़ी के से ही ऊपर जाता है। ऊपर मतलब सिलीगुड़ी से ही पहाड़ में जाता है, वहाँ पे जाके रेट बढ़ा के सेल होता है। हाँ, कुछ बहुत कम चीज़ है जो नेपाल से वहाँ पे जाता है, बट मैक्सिमम चीज़ यही से जाता है। तो मेरा गुजारिश यही रहेगा, कुछ लेना चाहते हो तो यही से लो, सस्ता मिल जाएगा अगर आपको बार्गेनिंग करना आता है तो। आप सुन चुके हो कि इतने सस्ते में यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ मिलता है। अभी टूरिस्ट आना थोड़ा कम हो गया है, इन लोगों को पता है बिकॉज ऑफ कोविड, तो ये लोग अभी सस्ते में भी बहुत कुछ दे रहे हैं। 100 रुपये में 3 स्वेटर, हाँ आपने सही सुना, 100 रुपये में 3 स्वेटर, 300 रुपये में लेडीज़ का जैकेट, एकदम सस्ते में जा रहा है। जितना कम रेट में हो ये सब बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लग चुका है कि अभी टूरिस्ट थोड़ा कम हो जाएगा और मार्च मई तक चलता है सीज़न। मई के बाद फिर से टूरिस्ट आना बंद हो जाता है, क्योंकि मई से यहाँ पे मानसून चालू हो जाता है। चलिए फिर से आपको लाइव वॉइस सुनाते हैं। आप देख सकते हो कितना लोग यहाँ पे खड़े हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपका हिसाब से आप शॉपिंग कर लेना। चलिए आगे और भी सुना थे आपको, देखिए आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ बोल देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम लोग यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं। अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो, कहीं पे भी जाओ, प्लीज़ आप अपना मास्क पहन के रखिए, क्योंकि सिलीगुड़ी में कोविड का सिचुएशन एकदम सही नहीं है। लास्ट जो रिपोर्ट आया है दिन का 200-300 करके पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप कुल हिसाब लगाओ तो अभी तक कोरोना पेशेंट सिलीगुड़ी में 1000 से भी ज़्यादा है। जगह छोटा है बट 1000 मतलब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ आप अपना मास्क ज़रूर पहन के रखिए और थोड़ा टाइम बाद बाद खुद को सैनिटाइज करते रहिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, इससे आप इन्फेक्ट कम होने का चांसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप किसी और डे में आते हो संडे छोड़ के, तो ये तो आपको पूरा मार्केट खुला मिलेगा, सब खुला है, कोई टेंशन नहीं है। अगर संडे में आते हो तो भी आपको खुला ही मिलेगा, बट जो बड़ा बड़ा दुकान है वो बंद रहता है। और जो स्ट्रीट मार्केट है आप देख सकते हो, स्ट्रीट में लोग बैठ के स्वेटर जैकेट सब बेच रहे हैं, वो संडे को ज़्यादा मिलता है। तो अभी बंद है बट फिर भी आपको मिल जाएगा। चलिए जो आप जैकेट देखते हैं ये भी बहुत सस्ता है, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, ये आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए कि इसका प्राइस क्या है। होप सो अभी आपको यकीन आ गया होगा कि कितना सस्ते में यहाँ पे चीज़ें मिलते हैं। तो आप आइए यहाँ पे, देखिए अपने हिसाब से शॉपिंग कीजिए। और एक चीज़ बोल देते हैं, कुछ भाई लोग ऐसा मुझे पूछ रहे थे कि अगर हम, आपको पता है कि RT-PCR अभी मैंडेटरी हो गया है सिक्किम में, हम सिक्किम में चले जाते हैं, बंगाल भी बोल रहा है कि RT-PCR चाहिए, जब हम सिक्किम से वापस आएंगे तब भी क्या मुझे RT-PCR दिखाना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, RT-PCR दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 तारीख से 24 तारीख तक सिक्किम ने बोला है कि RT-PCR चाहिए जो भी सिक्किम एंट्री करेगा, बट आपको पता है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ इंडिया का होगा जिसने बोला है कि आप स्टेट टू स्टेट, यानी आप इंडियन हो, इंडिया से इंडिया में रह के आप कहीं भी स्टेट पे जाओ
आपका आरटीपीसीआर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डबल डोज से काम बन जाएगा। ये बाहर वालों के लिए यानी इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है, अगर वो आए तो उसको आरटीपीसीआर लगेगा। अभी जो स्टेट डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे स्टेट में आने के लिए आरटीपीसीआर मैंडेटरी है, उसका एक डेट होता है, उस डेट तक ये वाला जो नियम है वो लागू रहेगा। यानी अभी 10 तारीख से 24 तारीख का अगर कोई सिक्किम में आता है उसको आरटीपीसीआर दिखाना पड़ेगा। अगर उसके बाद आता है तो उस नियम के अनुसार आपको आरटीपीसीआर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर डबल डोज हो तो आप एंट्री कर सकते हो। इतना अभी तक मुझे खबर है, बाकी जैसे ही मुझे अपडेट मिलता रहेगा मैं इस चैनल में आपको अपडेटेड देता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर देना। और एक चीज़ बोलते थे आपको कि दार्जिलिंग अभी खुला है बट टूरिस्ट जो स्पॉट है वो बंद है। यानी वहाँ का जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, अगर नहीं देखे हो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने बोला है कि जो छोटा छोटा स्पॉट होता है सराउंडिंग दार्जिलिंग का वो बंद है, जहाँ पे टूरिस्ट दार्जिलिंग में रह के विज़िट करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी रोपवे बंद है, म्यूज़ियम बंद है, जो ज़ू है वो बंद है, और कुछ कुछ चीज़ें वो बंद है, बट रॉक गार्डन खुला हुआ है, बातिसया लूप जैसे बंद है। अगर आप आना चाहते हो घूमने के लिए तो आप मानेभंजन जाओ, आप मिरिक आओ, मिरिक घूमो, कोई वहाँ पे बंद नहीं है। लावा भी खुला है, लोलेगांव भी खुला है, सांदकफू भी आप जा सकते हो, वो सब ओपन है। और वहाँ पे आपको बंगाल में तो आरटीपीसीआर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास डबल डोज हो तो आप आराम से आ सकते हो और घूम सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज़ आपको बोल देते कि बस ट्रेन सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा छोटा गाड़ी जो सिलीगुड़ी से जाते हैं पहाड़ की तरफ वो सब खुला हुआ है, आप बस से भी जा सकते हो। मैं बहुत सारा वीडियो आपको बना के दिखाया हूँ कि कैसे आप बस से जाओगे। बस में आपको सस्ता भी पड़ता है, 200 रुपये में आप गैंगटॉक पहुँच जाओगे, 200 रुपये में आप दार्जिलिंग पहुँच जाओगे। तो कैसे जाओगे उसका भी मैं अलग से वीडियो बना के रखे है अपने चैनल में, आप जाके देख लेना, आपको वहाँ से थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको सस्ते में जाना है कि नहीं जाना है, आप कैसे जा सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब आप आओगे तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगा, आपको बेसिक आइडिया रहेगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ चलो इसका ये रेट है तो मैं सस्ते में जा सकता हूँ। तो वो आपके लिए ही बनाया गया है, आप जाके देख लेना। और एक चीज़ बोल देते भाई लोग या बहन लोग जो भी आप देख रहे हो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो लाइव सिचुएशन है वही दिखाने के लिए, ताकि आप इतने दूर से घूमने के लिए आ रहे हैं आप अच्छे से घूम पाओ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मैं या मेरा वाइफ कोई भी हो आपको गाइड करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सब चीज़ का तो इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, पर अगर आप जब क्वेश्चन करते हो अगर आंसर नहीं होता हम लोगों के पास तो हम पता करते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, और पता करके ही आपको हम रिप्लाई करते हैं। अगर पता नहीं होता है तो बोल देते कि हाँ पता नहीं है, पर जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल आप जो रोड देख रहे हो इसको कहते हैं हिलकार रोड, ये वाला रोड सीधा एनजीपी से आके जाते हैं जंक्शन की तरफ, और जंक्शन अगर आप पहुँच जाओ तो वहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हो नॉर्थ बंगाल का। यानी आप अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी कहीं पे भी जा सकते हो, सिक्किम में जा सकते हो, दार्जिलिंग जा सकते हो, जंक्शन से आप गाड़ी से कहीं पे भी जा सकते हो। और एक चीज़ आपको बोल देते हैं, जंक्शन में बस भी मिलता है, ट्रेन भी मिलता है। लोग अक्सर लोग ऐसा जानते हैं कि सिलीगुड़ी आना है तो एनजीपी में ही आपको उतारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एनजीपी में उतारना पड़ेगा, पर ज़्यादातर जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है वो एनजीपी ही रुकता है। बट अलग से एक सिलीगुड़ी बोल के भी स्टेशन है जो जंक्शन के एकदम बगल में ही है, वहाँ पे भी लोग आते हैं, बट वहाँ का ट्रेन अभी थोड़ा कम है क्योंकि आपको पता है कोविड के वजह से अभी बहुत सारा ट्रेन कम चल रहा है, टाइमिंग का भी प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा सिचुएशन है। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी ये सिचुएशन भी ठीक हो जाएगा, आप फिर से पहाड़ पे आओगे और यहाँ पे घूमोगे, कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज़ आप बोल देते हैं, ये जो आप शॉपिंग आपको जो फुटेज देख रहे हो ये सब सस्ते में मिलता है, ये 100 रुपये 200 रुपये में जूते मिलते हैं, हमने भी ख़रीदा है, ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से कर लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सेकंड हैंड माल है, यहाँ पे सब
फास्टन होता है, बट आपको ये जो जूता होता है ये तो सही है, बट कपड़े जब आप ले रहे हो तो आप प्लीज़ आप जब आप लेके जाओगे तो इसको वॉश करके आप फिर यूज़ करना, उससे पहले आप यूज़ मत करना, क्योंकि आपको पता है अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, कहाँ पे पड़ा रहता है, कहाँ पे गिरा रहता है, क्या लगा रहता है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो कुछ ख़रीद रहे हो तो उसको वॉश करके आप फिर पहनना। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट क्या करे, बोलते बोलते बात करते करते थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा, थोड़ा नॉलेज भी आपको दे दूँगा। वीडियो बड़ा बहुत लंबा जा रहा है आई नो, बट प्लीज़ माफ़ कर देना अगर आप देख रहे हो अभी तक, तो थैंक यू सो मच वीडियो इतना देर तक देखने के लिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ कीजिए, मैं सवाल का हमेशा जवाब दूंगा। और एक चीज़ आपको बोल देते हैं, जो सोच रहे हो कि आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, प्लीज़ आप टेंशन मत लो, चैनल पे बने रहो, मैं हमेशा अपडेटेड देते रहूँगा कि आपको कब आना है कब नहीं आना है। अभी आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब कुछ खुला है, सब कुछ ओपन है, बस आपको क्या करना है, मास्क पहन के रखना है। नाइट कर्फ्यू ऑन है, आप रात के 10 बजे से 10 बजे के बाद बिना इमरजेंसी के आप नहीं जा पाओगे, यानी आप होटल में हो या कहीं पे भी आप निकल नहीं पाओगे 10 से 5 बजे तक। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हो। चलो आगे आपको फिर से एक लाइव साउंड सुनाते हैं और देखिए क्या बोलते हैं ये लोग। तो आप देख सकते हो कितना एंजॉय करके ये लोग सेल करता है। यहाँ पे आपको आके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो आप आइए, बहुत मज़ा करेंगे यहाँ पे आके, वेदर भी बहुत अच्छा है। अभी कुछ कुछ ऐसा भी दिन आ रहा है कि सूरज भी देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा फॉगी वेदर है, ठंडा का मौसम है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और शेयर तो ज़रूर करना। तो यही रहा था, यही है हांगकांग मार्केट का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अपडेटेड रहने के लिए वीडियो पर बने रहना, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्त।